हेलो एवरीवन, इसके अंदर हम जो मुहावरे डिस्कस करेंगे वो है जैसे ढील देना यानी छोड़ देना, ज़्यादा ढील नहीं देनी चाहिए, ज़्यादा छोड़ नहीं देनी चाहिए बच्चों को, ढेर हो जाना गिर कर मर जाना, पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश ढेर हो गए, ढोल पीटना सबको बताना उसे कोई मत बताना, डसोर शंख होना केवल बड़ी बड़ी बातें करना काम ना होना। सर राहुल तो डसोप शंख है, बातें ही बस बातें ही करता है, काम कुछ नहीं करता। ढर्रे पर आना सुधरना, अब तो शराबी कालू ढर्रे पर आ गए यानी सुधर गया है। ढलती फिरती छाया भाग्य का खेल या फिर वह गरीब था, अब ढलती छाया नहीं सब भाग्य, अब अमीर हो गया ढलती छाया, फिर ढलती फिरती छाया। ढाई ईंट की मस्जिद सबसे अलग कार्य करना, घर में कुआं खुदवा कर ढाई ईंट की मस्जिद बना रहा है यानी सबसे अलग कार्य कर रहा है। ढाई दिन के बाद साथ होना है मिलना, थोड़े दिन की शानो शौकत या हुकूमत मैनेजर के बाहर जाने वाले मनमोहन को ढाई दिन की बाद साथ मिल गई। ढेर करना या मार गिराना, पुलिस ने कल दो लुटेरों को सरेआम ढेर कर दिया। ढोल पीसना खोखलापन, ढोल की पोल का मतलब खोखलापन, बाहर से दिखने में अच्छा किंतु अंदर से खराब होना। ढल जाने का मतलब तो कमजोर हो जाना या वृद्धावस्था की ओर जाना। ढिंढोरा पीटना घोषणा करना, ढोंग रचना पाखंड करना, ढोंग रचने वाले साधनों से मुझे सख्त नफरत है। इसके बाद आगे बोलते हैं तूती बोलना, तूती बोलने का मतलब होता है बोल पाना होना। आजकल तो राहुल गांधी की तूती बोल रही है, तारे गिरना चिंता के कारण रात को नींद ना आना, एक्सेस बनने का मैं सो नहीं पा रहा और लगातार तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी करते करते तारे गिन रहा हूँ यानी एसएससी की मेन परीक्षा के लिए मैं तारे गिन रहा हूँ यानी मुझे चिंता का, मुझे नींद नहीं आ रही। कुछ भी ऐसा बना देना यार, तिल के तार तोड़ना छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, शांति तो तिल का तार बनाने में माहिर है, ठीक है, छोटी बात को बड़ा चढ़ा के बात करते हैं। मीनाक्षी तो तिल के तार बनाने में उस्ताद है। तीन तेरा करना नष्ट करना, तितर बितर करना, झगड़े दोनों भाइयों ने तीन तेरा कर दिया, जरा से झगड़े ने दोनों भाइयों को तीन तेरा कर दिया यानी तितर बितर कर दिया, नष्ट कर दिया। तकदीर खोलना चमकाना, भाग्य अनुकूल होना, एसएस बनने के बाद तकदीर खुल गई है मेरी तो। तख्ता पलटना एक शासक दूसरे शासक को हटाकर अपने सिंहासन को खुद बैठना, पाकिस्तान के प्रवेश मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया। तलवे या तलवे चाटना को शामदीद करना, ठीक है, तलवे धोकर पीना था अधिक सम्मान करना, मैं अपने माता पिता का के तलवे धोकर पीने चाहिए। तलवार की धार पर उतरना, अति कठिन कार्य करना, आईएएस मित्रता निभाना, तलवार की धार पर चलना, तलवार के घाट उतारना मौत, तलवार से मारना, तलवार के घाट उतारना, तलवार से मारना, तलवार सिर पर लटकना खतरा रहना। आजकल रामू के मैनेजर से उसकी कहा सुनी होगी इसलिए तलवार उसके सिर पर लटकी रहती है। तवे समूह लेना बहुत काला चेहरा, किरण का तो तवे समूह है फिर भी वह स्वयं को सुंदर समझती है। तवे समूह होना बहुत स्वयं को बहुत सुंदर समझना। तफशीत लाना आनंद, तशरीफ लाना यानी आना, घर में मेहमान आते ही यही आते हैं तो यही कहते हैं कि तशरीफ लाइए यानी आ जाइए। तांत का होना दुबला पतला होना, तांत का होना दुबला पतला होना, चार दिन की बीमारी में गौरव तांत का तांत का सा हो गया। ताक कर रहना, ताक कर धरना व्यर्थ समझ कर दूर हटना, सारे नियम ताक पर रखकर अध्यापक ने छात्र को नकल करवाई। ताक पर धरना यानी व्यर्थ का समझ कर दूर हटना, सारे नियम ताक पर धर कर चोरी मत करना, सारे नियम ताक पर धर कर चीटिंग मत करना। ताक में बैठना मौके की तलाश में रहना, कुछ लोग मौके की ताक में बैठे रहते हैं, मौके की तलाश में रहना। सुधीर बहुत दिनों से ताक में बैठा था, कब अकेला मिलूँ और वो मुझे पीटे। तारीफ के पुल बांधना अत्यधिक प्रशंसा करना, ठीक है, तारे तोड़ लाना कठिन और असंभव कार्य करना, तिनके का सहारा थोड़ी सी मदद करके भी, तिनके का सहारा मतलब थोड़ी सी मदद, 100 रुपये की मदद करने तो डूबते को दिन का सहारा बहुत होता है। तीन पाँच करना यानी हर बात पर आपत्ति करना, राघव बहुत तीन पाँच करते हैं इसलिए सब उससे दूर रहते हैं। तीर मार लेना बड़ा काम कर लेना, इंजीनियर बनना एसटीएस बनने का बहुत बड़ा काम है, एसटीएस बनकर मैंने तीर मार लिया। 30 मार खा मरना, अपने को बहुत सूरवीर समझना, उन्ना खुद को बहुत 30 मार खान समझता है, जब देख लड़ाई बात करता रहता है। तूफान उठाना उपद्रव खड़ा करना, मित्र तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ तूफान खड़ा कर देते हो यानी उपद्रव खड़ा करते हो। तेल निकालना खूब कस कर काम लेना, प्राइवेट का फॉर्म कर्मचारियों को तेल निकाल देती है। तेली का बैल हर समय मेहनत करने वाला काम करने वाला व्यक्ति प्रेमचंद तो तेली के बैल है, दिन रात काम करते रहते हैं। तोता पालना किसी बुरी आदत को ना छोड़ना, तोता पालने का मतलब किसी बुरी आदत को ना छोड़ना, कैसे नहीं तम्बाकू खाने का तोता पाल रखा है। तंगाल ने धन वक्त की नीरू खुद को तंगाल कर रेखा देगी, तकदीर फूटना भाग्य खराब होना, जाहिल से उसकी शादी होगी, उस लड़की की तकदीर फूट जाती है जिसकी जाहिल से शादी होगी, तबीयत आना किसी पर आशक्त होना, वह तो मनमोजी है, जब जिस चीज़ पर उसकी तबीयत आ जाती है तो उसे हासिल करके छोड़ता है। तबीयत भरना मन भरना है, अच्छा ना होना, इस शहर में अब मेरी तबीयत भर चुकी है इसलिए इस शहर को छोड़कर जाना चाहता हूँ, ठीक है। तरस खाने का मतलब होता है दया करना,
ठंड में कांपते हुए उस भिखारी पर तरस खाकर मैंने कम्बल उसे दे दिया। तरस खाना दिया करना तय कर तहत तक पहुंचना यानी गुप्त रहस्य को मालूम करना। जब तक इस केस की तहत तक नहीं पहुंचे तब तक फैसला नहीं सुनाएंगे। तहलका मचाना, खलबली मचना, बम की इस घटना सुनते ही तहलका मच गया। ताता बांधना एक दूसरे के एक के बाद दूसरे का आते रहने। वैष्णो देवी टेम्पल में तांता लगा रहता है लोगों का। ताक झाक करना, इधर उधर देखना, दूसरे घर में ताक झाक करना अच्छी बात नहीं है। तान कर सोना, निश्चित होकर सोना। बेटी के विवाह के बाद वह सारी चिंताओं से मुक्त हो गया और अब तान कर सोता है। ताल ठोकना, लड़ने के लिए ललकारना। उसके सामने तुम ताल मत ठोको, तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। ताव आना, क्रोध आना। मोहनलाल के झूठे बातें सुनकर मुझे ताव आ गया। मोहनलाल की झूठे बातें सुनकर मुझे क्रोध आ गया, नहीं ताव आ गया। तिल तिल कर मरना, धीरे धीरे मृत्यु के मुख में जाना। बेटे के गम में उसने बिस्तर पकड़ लिया और अब तिल 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 उसके मर रही है। तिल तिल करके मरना, धीरे धीरे मृत्यु के मुख में जाना। ताल ठोकना, लड़ने के लिए ललकारना। था आना, क्रोध आना। तिल तिल करके मरना, धीरे धीरे मृत्यु के मुख में जाना। तिल रखने की जगह न होना, स्थान का ठसा ठस भरा होना। बस में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। यानी शनिवार के दिन मंदिर में तिल रखने की भी जगह नहीं होती, यानी फटाफट भरा होता है। तिल मिला उठना, बहुत ब्रह्म मानना। जब मैंने उसकी पोल खोल दी तो वह तिल मिला उठा। तिलांजलि देना, त्याग देना। वर्मा जी ने घर संपत्ति को तिलांजलि देकर श्याम ने उसे तुकना ना कोई औचित्य न होना। पहले मैं बाजार जाऊँ फिर तुम्हें घर लेने में, उसमें कोई तुक नहीं है यानी कोई औचित्य नहीं है। तुल जाना, किसी काम को करने के लिए उतारू ना। मैंने ऐसे सोच लिया मैं इसको करके दूंगा, मैं इसके लिए तुल गया हूँ। तू तो मैं हो ना, आपस में कह सुनी होना कल रमेश। यदि तुम मेहनत करोगे तो करने पर तुल जाओगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। तू तो मैं हो ना, मैं कहा सुनी होना कल रमेश और उसकी पत्नी के बीच में तू मैं यानी झगड़ा हो गया। कहा सुनी होगी, झगड़ा हो गया। तुल पकड़ता हूँ, रुक जा देना। कहा बातों बातों में कहा सुनी ने तुल पकड़ लिया ने बहुतों को रोग धारण कर लिया। तेल निकालना, खूब कसा कर काम ले रहना। जमींदार मजदूरों का तेल निकाल लेते हैं। तेवर चढ़ना, क्रोध क्या कर बहु का धरना। मुझे परिणाम का अनुमान थे मुझसे, तुम्हारे तेवर चढ़ने से मैं निर्णय नहीं बदल सकता। तैश में आना, क्रोध करना। तैश में आकर किसी का अपमान मत करना। तौबा करना, भविष्य में किसी काम के करने की काम करने की प्रतिज्ञा करना है, ठीक है। किसी काम को ना करने की प्रतिज्ञा करना है। इनका व्यापार में घाटा होने से मैंने इससे तौबा कर लिया। तो तौल कर मुंह से शब्द निकालना, बहुत सोच विचार कर बोलना। शालिनी बहुत विवेकशील है, वह तौल तौल कर मुंह से शब्द निकालती है। त्योरी त्योरियाँ चढ़ना, क्रोध के कारण माथे पर बल पड़ना। अपमानजनक शब्द सुनते ही उसकी त्योरियाँ चढ़ गई। तिनके को पहाड़ करना, छोटी बात को बड़ी बनाना। तिनके के पहाड़ करना, सुमन को पुराने तिनके का पहाड़ करना सुमन की पुरानी आदत है। ताड़ जाना, समझ जाना। मेरे मित्र ने सुरेश को पहले ही ताड़ दिया था कि वह बहुत स्वार्थी है, अपना काम निकाल कर मुंह फेर लेगा। तुक में तुक मिलना खुशामद करना, उसकी तो आदत ही है सब कुछ सबकी तुक में तुक मिलाने की। तुक में तुक मिलाना, खुशामद करना, उसकी तो आदत है सब कि तुक में तुक मिलाने के। तेवर बदलना, क्रोध करना। अपने पुत्र को प्रवेश हो जाने पर मोहन ने अपने तेवर बदल लिए। ताना मारना, व्यंग वचन बोलना। मेहनती और ईमानदार होने पर भी काशी राम की मालकिन उसे ताने मारती रहती है, व्यंग करती रहती है। ताक में रहना, खोज में रहना। रसीद कब से इस नौकरी की ताक में था, जो उसे आज मिल गई। तोते की तरह आँख फेरना, ये तैन पैमो रोबत होना। कीर्तन भला करना, वह तोते आँख फिर लेगा। भैया जमाने ऐसा त्राई त्राई करना, विपरीत कठिनाइयों के समय रक्षा है। शरण के लिए प्रार्थना कराना, त्राई त्राई करना। आग लगने पर बच्चे का उपाय ना देख कर लोग त्राई त्राई करने लगे। त्रिशंकु होना, बीच में रहना, इधर का होना ना उधर को होना। केशव ना तो अभी तक आया और ना ही फोन के समारोह में जाना है या नहीं, कुछ भी नहीं पता। मैं तो त्रिशंकु हो गया हूँ। थूक कर चाटना, कह कर्म कर जाना। कल मुन्ना थूक कर चाट गया, उस पर विश्वास नहीं करना। थाली का बैंगल होना, आदमी जिसका अपना कोई सिद्धांत ना हो उसे बोलते हैं थाली का मंगल। था मिलना या लगना, भेद खुलना। अब वैज्ञानिकों ने था लगी कि मंगल ग्रह पर भी पानी है। थुक्का फजीहत होना, अपमान होना। कुमार थुक्का फजीहत होने से पहले चला गया, यानी अपमान होने से पहले चला गया। थोड़ी थोड़ी होना, बच्चे बदनामी होना। बच्चों को बेवजह पीटने से अध्यापक की थोड़ी थोड़ी हो रही है। थक्का चूर होना, अत्यंत थक जाना। 4 किलोमीटर चलने से थक गया हूँ। थरा उठना, अभिदेवित होना। तेज धमाकों के सभी थरा उठे। था लेना, मन की भाव जानना। गंभीर लोगों के मन की था लेना मुश्किल होता है। थैली का मुंह खोलना, खूब धन व्यय करना। सेठ राम बोलना, बेटी हाँ मैं थैली का मुंह खोल दिया, यानी खूब धन व्यय किया। थू थू करना, घृणा प्रकट करना। तुम्हारी निजता कहानी जो भी सुनेगा थू थू करेगा।
दम टूटना, मर जाना। शेर ने एक ही गोली में दम तोड़ दिया। दिन दोगुनी रात दोगुनी तेजी से तरक्की करना, व्यापार में, स्टडी में, तेजी से दाल में खाना होना, संदेह होना, चोर चोरी बातें कर रही थी दाल में, कुछ तो खा रहे, दौड़ धूप करना, बड़ी कोशिश करना, बेटी के ब्याह के लिए बड़ी धूप धूप की, दो कौड़ी का आदमी तुझे आप इस विश्वसनीय व्यक्ति जो तो किस दो कौड़ी के व्यक्ति की बात करते हो, दो टुक बात कहना, थोड़े शब्दों में स्पष्ट बात कहना ना अच्छा रहता, दो दिन का मेहमान ना, जल्द मारने वाला, किसी का क्या बिगाड़ेगा, वो बेचारा खुद दो दिन का मेहमान है। दूध की रात में टूटना, ज्ञानहीन या अनुभवहीन, वैसे हमें क्या बोलेगा, उसकी तभी दाँत दिन टूटे, यानी उसको ज्ञान नहीं है, वो ज्ञानहीन और अनुभवहीन व्यक्ति है। दूध का दूध और पानी का पानी कर देना, पूरा पूरा इंसाफ करना। कल सरपंच ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दूध का चांद होना है, ईद का चांद होना, कभी कभार दिखाई पड़ना। मित्र आजकल तो तुम दूध के चांद हो गए हो, दो नावों में पैर रखना है, दो नावों पर सवार होना, दो काम एक साथ करना। मित्र तुम दो नावों पर पैर मत रखो, या पढ़ लो या पढ़ नौकरी कर लो। दम खींचना या साधना, चुप रह जाना, पैसे उधार मांगने पर सेठ जी दम साध गए यानी चुप हो गए। दमड़ी के तीन होना बहुत तुच्छ है, सस्ता होना, आजकल मूड़ी दमड़ी के तीन है, दमड़ी के तीन बहुत तुच्छ है, सस्ता। दरवाजे को मिट्टी खोदना, बार बार तकाजा करना, 100 रुपये के लेना। श्याम ने राजू के दरवाजे की मिट्टी खोद डाली। दरार पड़ना, मतभेद पैदा होना, अब कौशल और कौशिक की दोस्ती में दरार पड़ गई है। 10 उंगलियां घी में होना बहुत लाभ होना, 10 उंगलियां घी में होना बहुत लाभ होना, आजकल राम अवतार की 10 उंगलियां घी में है। दांत पीसना बहुत क्रोधित होना, रमेश की तो बात बात पर दांत पीसने के दांत पीसने लगता है, रमेश तो बात बात पर दांत पीसने लगता है। दांत काटी रोटी होना, अत्यंत घनिष्ठ प्रेम होना, आजकल राम और श्याम की दांत काटी रोटी है। दांत खट्टे करना, प्रास्त करना, हराना, महाभारत में पांडवों ने कौरव के दांत खट्टे कर दिए थे। दांतों तले उंगली दबाना, दंग रह जाना, जब एक गरीब छात्र ने आया आसपास कर ली, तो दांतों तले उंगली दबाने लगे। दाई से पेट छिपाना, जानने वाले से पेट छिपाना, मैं पंकज की हरकत जानता हूँ, फिर भी वह दाई से पेट छिपा रहा है। दांत देना, प्रशंसा करना, माहेश्वरी सर के पढ़ाने के ढंग की सभी दांत देते हैं। दाना पानी उठाना, आजीविका का साधन खत्म होना, बेरोजगार होना, लगता है आज रोहित का दाना पानी उठ गया, तभी वह मैनेजर को उल्टा जवाब दे रहा है। दाल भात में मुसल चंद, दो व्यक्तियों के बीच में तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप करना, दाल भात में मुसल चंद। शंकर हर जगह दाल भात में मुसीबत की तरह आ जाता है। दिन दहाड़े तारे दिखाना, अत्यधिक दुख के कारण होश ठिकाने रहना, दिन में तारे दिखाई देना, दुख के कारण होश ठिकाने रहना। जब रामू की नौकरी छूट गई तो उसे दिन में तारे दिखाई दे गए। दिन गंवाना, समय नष्ट करना, बेरोजगारी में रोहन आजकल यूं ही दिन गंवा रहा है। दिन गंवाना, समय नष्ट करना, दिन पूरे होना, अंतिम समय आना, लगता है कि किशन के दिन पूरे हो गए हैं, तभी अत्यधिक धूम्रपान कर रहा है। दिन पलटना, अच्छे दिन आना, नौकरी लगने के बाद अब शंभू के दिन पलट गए हैं। दिन पलटना, अच्छे दिन आना, नौकरी के बाद अब शंभू के दिन पलट गए हैं। दिन रात एक करना, कठिन परिश्रम करना, केस के लिए अब दिन रात एक, अगले 30 दिनों के लिए दिन रात एक करके तैयारी करनी पड़ेगी। दिन रात एक करना, कठिन परिश्रम करना, दिन आना, अच्छा समय आना। अभी उनके दिन चल रहे हैं, पर कभी ना कभी हमारे दिन भी आएंगे। दिन आना मतलब अच्छा समय आना। दिन लद जाना, समय व्यतीत हो जाना, वे दिन लद गए जब जमींदार किसानों पर अत्याचार करते। दिमाग दौड़ाना, विचार करना, अत्यधिक सोचना, कमाल बहुत दिमाग दौड़ाता है तब इंजीनियर बना। दिमाग साथ में आसमान पर, नंबर अत्यधिक घमंड होना, सरकारी नौकरी लगने पर परमजीत का दिमाग साथ में आसमान पर है। दिमाग खाना या खाली करना, यानी मगजमारी या बकवास करना, फिर भी अगले की समझ में ना आना। दिल टुकड़े टुकड़े हो जाना, बहुत निराश होना, ठीक है मनीषा किताबें नहीं तो दिल टूटना, दिल पर पत्थर रखना, दुख सहने हानि होने पर चुप रहना, दुख सहकर या हानि सहकर होने पर भी चुप रहना। रामू के जो 5,000 तो उसने दिल पर पत्थर रख लिया, ने जो उसे नुकसान हुआ, जो जो उसे दुख हो, उसको दुख को भी होने पर भी चुप रह लिया। दिल पसीजना, किसी पर दया आना, भिखारी की दया देख कर मुझे उस पर दिल पसीज गया, ठीक है। दिल दहला, अत्यधिक व्यभीत होना, मैं रात में किसी परछाई देखकर दिल दहल गया। दिल का काला हो खोटा होना, कपटिया दुष्ट व्यक्ति, दिल का बाग बाग होना, अत्यधिक हर्ष होना, अस्थिर पड़ने के बाद दिल बाग बाग हो, दिल कड़ा करना, हिम्मत करना, अस्थिर पास करने के लिए दिल को कड़ा करना, दिल का गुब्बारा निकालना, दिल का गुब्बारा निकालना, मन का मलान दूर करना। पंडित राम, एक पंडित रामदीन ने अपने दिल के सारे गुब्बारा सारी कसर पूरी कर ली। दिल का यानी मन का मलाल दूर करना, दिल के दिल में रह जाना, मनोकामना पूरी ना होना, मेरे दिल के दिल में रह जाना, मनोकामना पूरी ना होना, करना चाहते।
दिल के अरमान निकालना, इच्छा पूरी ना होने दे मेरे दिल में दम दम में मुझे तसल्ली के लिए, इच्छा पूरी होना दिल के अरमान निकलना है नहीं, दिल के अरमान निकलना यानी इच्छा पूरी होना, इससे दिल्ली दूर होना लक्ष्य दूर होना, दिल्ली पास होना लक्ष्य पास होना, 30 दिन बाद मेरा लक्ष्य मेरे पास आ रहा है और मुझे उसे अचीव करना है, दुनिया की हवा जागना कुमार्ग पर चलना, रामू को दुनिया की हल लग गई है, पहले वह बहुत सीधा था यानी दुनिया कुमार्ग कुमार्ग पर चलना, उसको बोलना दुनिया की हवा लगा, दुनिया से उठ जाना मर जाना, दूध का दूल्हा निष्पक्ष निर्दोष या निष्पाप, मुकेश तो दूध का दूल्हा हुआ है, चोरी करने जाने के उकसाते दूध का उबालना गुस्सा आना, पैसे मांगना पिताजी दूध उबाला गया, दूध की नदियाँ बहना धन दौलत होना, कृष्ण टाइम में मथुरा में दूध की नदियाँ बहती थी, दूध की मक्खी तो छोटी, बेरोजगार होने के बाद रामू तो अपने घर में दूध की मक्खी की तरह है, बेरोजगार होने के बाद रामू क्या अपने घर में दूध की मक्खी की तरह है, दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकना अनावश्यक समझकर अलग कर देना, राजू कंपनी ने कल उसे दूध में से मक्खी तरह निकाल कर फेंक दिया, दूध में मक्खी तरह निकाल कर फेंकना अनावश्यक समझकर अलग कर देना, लागू कंपनी ने उसे कल दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, दो दो हाथ होना लड़ाई होना छोटी सी बात पर राजू रामू में दो दो हाथ हो गए, दो दो हाथ होना लड़ाई होना छोटी सी बात पर राजू रामू में दो दो हाथ हो गए, दोनों हाथों में लड्डू होना अत्यधिक लाभ, हर प्रकार से लाभ होना, दोनों हाथों में लड्डू होना हर प्रकार से लाभ होना, अब अजय के दोनों हाथों में लड्डू है, दोनों हाथों से लुटाना खूब खर्च करना, सुरेश बाप दादा की संपत्ति के दोनों हाथों से लुटा रहा है, दूर के ढोल सुहाने लगना, दूर की वस्तु को अधिक अच्छा लगना, जब मैंने वैष्णो देवी पिता ने दूर का ढोल सुहाने लगना, जब चढ़ाई करोगे तो पता लगेगा, देवलोक से धारना यानी मर जाना, रामू के पिताजी तो पहले देवलोक से धार गए पर मुझे आज डेथ हुआ, दफा होना चले जाना, दफे हो जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, दबदबा मानना रोब मानना, सारे मोहल्ले के लोग आपके बेटे का दबदबा मानते हैं यानी रोब मानते, दबे पाँव आना बिना हट के जाना क्योंकि अंदर बच्चा सो रहा है, दर दर की खाक छानना, दर दर मारा फिर जगह जगह की ठोकरे खाना, नौकरी के लिए हमें दर दर के खाक छाननी पड़ती है, दशा फिरना अच्छे दिन आना, इतने दिनों का परेशान चल रहा था, जैसे ही दशा फिरी सब अच्छा अच्छा हो गया, दांत निपोरना गिड़ गिड़ाना, क्यों दांत निपोर कर भीख मांग रहे हो, काम क्यों नहीं करते, दांत निपोरना यानी गिड़ गिड़ाना, क्यों दांत निपोर कर भीख मांग रहे हो, काम कर लो, दाने दाने को तरसना, भूखे मरना, पिताजी को दाम खड़ा करना, उचित मूल्य उचित कीमत प्राप्त करना, दाम खड़ा करना, आप चाहे तो अपने पुरानी कार के दाम खड़े कर सकते हैं, आप पुरानी कार के दाम खड़े कर सकते हैं, तो मूल्य प्राप्त कर, दामन छुड़ाना पीछे छुड़ाना, पति के मार सहना उसकी मजबूरी, पति दामन छुड़ा के पीछे छुड़ा के जाते भी कहा, दामन पकड़ना किसी के शरण में जाना, मैं एक बार जिसका दामन पकड़ लेता हूँ जीवन भर साथ नहीं छोड़ता, डाल करना सफल होना, मुझे उसे फुसलाने की बहुत कोशिश की पर मेरे आगे उसकी डालने के लिए दाल रोटी चलना, जीवन निर्वाह होना, इतनी तनख्वाह मिल जाती कि उसकी तरह दाल रोटी चल जाती है, दिल बिल्लियाँ उछलना, बहुत खुश होना, नौकरी खबर मिलती है उसका दिल बिल्लियाँ बल्लियाँ उछलने लगा यानी बहुत खुश हो गया, एसपीएस के एसडीएम बनने के बाद मेरा दिल बल्लियाँ उछलने लगा, दिल लगी करना मजाक करना, हर समय मजाक करना अच्छी बात नहीं है, दिल लगी करना अच्छी बात नहीं है, दुकान बढ़ाना दुकान बंद करना, कुछ लोग दुकान को 6 बड़े बढ़ा देते हैं, ठेके द्वारों का अनहोना, किसी को अपनी बात के प्रकट हो जाने का खतरा, दीवारों के दुकानों बातों सावधानी रखा करो, दुखती रख को छूना, मरम पर आघात करना वरना वायरो पड़ेगी, मरम पर आघात करना, तुम दबाकर भागना डटकर भागना या चले जाना, पुलिस वाले देखते ही चोर, पुलिस वालों को देखते ही चोर, दुम दबाकर भागना, दुलती झाड़ना दोनों लातों से मारना, घोड़ा जब दुलती मारता है तो उसे दूर हो जाना चाहिए, दोनों टांगों से लात दोनों लातों से मारना, दुलती झाड़ना, दुश्मनी मोल लेना व्यर्थ की दुश्मनी करना, दुश्मनी मोल लेना व्यर्थ की दुश्मनी करना, बैठे बैठाए दुश्मनी मोल लेना, कलमंदी नहीं है दूर की लाज रखना, विरोचित कार्य करना, दूध पीता बच्चा अबोध यानी निरपराध व्यक्ति, दूध पीता हुआ तो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, जो हमेशा उसे टोकते रहती है बहुत निरपराध व्यक्ति नहीं है, दृष्टि फेरना पहले जैसे प्रेमी ऐसे नहीं रहना, आपकी दृष्टि फिर गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे, देखते रह जाना दंग रह जाना, इतने छोटे बच्चे करतब लोग देखते रह गए यानी दंग रह गए, देखते ही बनना वर्णन न कर पाना,
उन पहाड़ों की छटा देखते ही बनती थी, देखते ही बनना वर्णन न कर पाना, उन पहाड़ों की छटा देखते ही बनती थी। देह टूटना, शरीर में दर्द होना, लगता है इन्फेक्शन हो गया, सुबह से मेरी देह टूट रही है। देह भरना, मोटा हो जाना, पहले तो वह बहुत कमजोर, पर नौकरी के 3 महीने बाद उसकी देह भर गई, यानी वह मोटा हो गया। देह भरना, मोटा होना, द्वार द्वार फिरना, घर घर भीख मांगना, बेचारा द्वार द्वार फिर द्वार लगना, दरवाजा बंद कर लेना, उसने मुझे देखते ही द्वार लगा लिया, दरवाजा बंद कर लिया। दर दर भटकना, मारे मारे फिरना, कभी तुलसीदास भी दर दर भटका करते थे। दाल भात का कोर समझना आसान समझना, आईएएस कोई दाल भात का कोर नहीं है। दाहिना हाथ होना, सहायक होना, अनुग्रह बाबू श्री दाहिने हाथ है, सहायक होना, दिल्ली दूर होना, कार्य में विलंब होना, कार्य में दिल्ली दूर होना, कार्य में विलंब होना, अभी दिल्ली घबराने से काम नहीं चलेगा, हम दिल्ली नजदीक है, तो मुझे 24 घंटे तैयारी करनी पड़ेगी। दिन दुनिया खबर न होना, संसार का कुछ भी पता न होना, उस समय विवाह से दिन दुनिया की कोई खबर न थी, दिन दुनिया भूल जाना, सुध बुध खो बैठना, मजनू लैला के प्यार में दिन दुनिया यानी सब सुध बुध खो बैठा, दम मारना, विश्राम करना, फेरी के बाद स्टडी के बाद हमें थोड़ा दम मार लेना चाहिए ताकि वो वाइब हो जाए, विश्राम कर लेना चाहिए। दम में आना, राहत होना, घर की किस्तों के भरने के बाद शाम को बैठे पैसे तो दम में आना तो राहत मिलना, दम मारना, विश्राम करना, दाव खेलना धोखा देना। दुर्योधन के मामा शुक्ल ने जुए में दाव खेलना यानी धोखा देना, पांडवों से सब कुछ छीन लिया। दिनों का फेर होना बुरे दिन आना, ठीक है। दीदे का पानी ढल जाना बेशरम होना राजू को, तो दीदों का पानी ही ढल गया, जेल जाने के बाद उसने अपनी आदत नहीं बदल रहा था। दिल बढ़ाना साहस भरना। आजकल लोग किसी के दुख में उसका दिल नहीं बढ़ाते, यानी उसका साथ नहीं बढ़ाते। दूध के दांत न टूटना, ज्ञान अनुभव का न होना, राजनीति में हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जिसके दूध के दांत भी ना टूटे। दाएं बाएं देखना, सावधान होना, आदमी को कोई भी काम हमेशा दाएं बाएं देख कर यानी सावधान होकर करना चाहिए। दिल दरिया होना, उदार होना, कर्ण दिल दरिया सा था, धजिया उड़ाना, किसी के दोस्त को चुन चुन कर गिनाना, उसने उन लोगों की धजिया उड़ाना शुरू कर दिया। मैं वहां से भाग खड़े हुए, धूप में बाल सफेद होना, बिना अनुभव के जीवन का बहुत बड़ा भाग बिता देना। रामू काका ने धूप में बाल सफेद नहीं किए, उन्हें बहुत अनुभव है। धोबी का कुत्ता घर के ना घाट का, जिसका कहीं ठिकाना ना हो, निरर्थक व्यक्ति। जब रामू की नौकरी छोटी, उसने धोबी कुत्ता ना घर का, थतुरा खाए फिर ना हो उन्मत्त होना, लौट लो थतुरा खाए फिर रहा उन्मत्त होना, धरना सेठ का नाती बनना, गरीब आदमी का बहुत गर्व करना, किसी के पास को फिर भी धरना सेठ का नाती बनता है, यानी बहुत घमंड करता है अपने आप पर, यानी बहुत ही गर्व करता है। धब्बा लगना, कलंकित होना, चोरी करके धब्बा लगा लिया, धमा चौकड़ी मचाते हैं, धुर्रे उड़ाना, अधिक बहुत अधिक मारना, चोर ट्रेन में लोगों ने पकड़ मार के धुर्रे उड़ा दिए, मैंने बहुत अधिक मारा, धूल फांकना, मारा मारा फिरना, दाग जमाना, रोबियान दबदबा जमाना, वह जहाँ भी जाता है वहीं अपने दाग जमा लेता है। धीरज बांधना, सांत्वना देना, जब सब लोगों ने धीरज बांधने की कोशिश पर उसके आंसू न थमे। धुन का पक्का लगन से काम करने वाला, जो धुन के पक्के होते हैं पूरे काम करके ही छोड़ते हैं। धुन सवार होना, लगन लगना, उसे संगीत सीखने की धुन लग गई है, यानी उसे लगन लग गई है। धुन सवार होना, लगन होना, संगीत सुनने की धुन लग गई है। धुनी रमाना, साधु यहाँ विरक्त हो जाना, कहीं जाकर निवास करना हमारा क्या है, कहीं भी धुनी धुनी रमा देना, साधु बन जाना, वही अपना किया बन जाएगा। धोखा देना, ठगना, चोर पुलिस को धोखा देकर भाग गया, धोखा देना, ठगी करना, धुनी रवाना रहना, धूल चाटना, खुशामद करना, पहले तो बहुत अकड़ रहे थे, पता बाद में मंत्री को धूल चाटने लगे। धोखा देना, ठगना, धूल चाटना, खुशामद करना, ध्यान में न लाना, विचार न करना, अपनी पत्नी की बातों में ध्यान में मत, दुखी होते हैं, ध्यान से उतरना, भूलना, मैंने गाड़ी की चाबी कहाँ रखी थी, मेरे ध्यान से उतर गई, यानी मैं भूल गया, बता देना, धता देना, धता बताना, टालना, भागना, हमें बड़ी ही उम्मीद से सो गया, लेकिन उसे ने तो धता बता दिया, यानी टाल दिया, धता बताना, टालना, भागना, उसने तो टालने असल के गए थे, लेकिन उसने टाल दिया। धरना देना, अकड़ कर बैठना, सत्याग्रही मंत्री कोटी के सामने धरना दे रहे हैं, अकड़ कर बैठे हैं, धांधली मचाना, झंझट करना, उपद्रव करना, इसमें वहां बड़ी धांधली मची है। धुनी रमाना, तब करना भाई सी उम्र में धुनी रमाओगे क्या, और ऊपर से धुनी रमाना, और ये
धुनी रवाना तब करना, धूल झांकना मारना पेट में, बदमाशी करोगे तो धूल झाड़ देंगे, बदमाशी करोगे तो धूल झाड़ देंगे, धोती ढीली होना डर जाना, मास्टर साहब के आते ही बच्चों की धोती ढीली होगी, धक्का देना अपमान करना, मुझे धक्का दो और मैं तुम्हारी आरती उतारे, ऐसा संभव है क्या? धक्का देना अपमान करना, ध्यान बटाना बांटना एकाग्र चित्त न होना, ध्यान बांटना एकाग्र चित्त न होना, बिना एकाग्र ध्यान, जब ध्यान बढ़ जाता है तो पढ़ाई नहीं होती, धरती पर पाँव न रखना अमनदीप होना, आशीष की नौकरी क्या लग गई, उसकी माँ तो धरती पर पैर ही नहीं रख रही है, यानी उसकी माँ तो घमंडी हो गई, धरती पर पाँव रखना, आशीष की नौकरी क्या लग गई, उसकी माँ तो पैर ही नहीं रख रही है, धुआं सा मुंह होना लज्जित होना, शालू के झूठ की पोल खुलते ही उसका धुआं सा हाँ मुंह हो गया। ओके थैंक यू, ये यहाँ पे हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।